हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलॉम्ब लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए पहले कूलॉम्ब लॉ का बेसिक आइडिया, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल में इसका आइडिया चाहिए तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक 02 देख लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको टाइप करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक 02। बेसिकली न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं कूलॉम्ब लॉ को जरूर एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कूलॉम्ब लॉ ये बताता है कि अगर कोई भी दो चार्ज हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और ये चार्ज कैसे हैं, पॉइंट चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं बच्चों, पॉइंट चार्ज। तो इनके बीच एक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है। आपको पता है सिमिलर चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मीन्स अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों निगेटिव चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि जो डिसिमिलर चार्ज होते हैं, मीन्स एक प्लस और एक माइनस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कूलॉम्ब लॉ ये बताता है कि जब अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के एयर के लिए क्या हो जाता है, वन एयर के लिए इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर होती है। ये के की वैल्यू है। कई बुक्स में इसको के को 1/4πε0 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो के को आगे चल के 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो उस समय जो कूलॉम्ब लॉ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। ये फोर्स तब लगता है जब दोनों चार्ज के बीच क्या है, एयर है। तो आज बच्चों इस टॉपिक में हम कूलॉम्ब लॉ की हेल्प से दो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स को निकालेंगे। आज केवल दो चार्जेज के बीच लगने वाले ही फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि द फोर्स एक्टेड बिटवीन टू चार्ज, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि टू पॉइंट चार्जेज ऑफ +2 μC एंड +6 μC रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 12 N इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज -4 μC, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। ओके, हमसे कहा जा रहा है कि दो चार्ज हैं, ठीक है, एक प्लस का 2 μC है और एक बच्चों 6 μC, ठीक है, और इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, वो हमको नहीं दिया है। कह रहे इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 12 N का है, और एक ऐसा फोर्स है रिपल्सन है। ये कैसा फोर्स है, रिपल्सन है। अब हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों चार्जेज को -4 μC चार्ज दे दिया गया। तो देखिए, जब इसको आप -4 κ चार्ज देंगे तो क्या होगा, और जब इसको देंगे तो क्या होगा। जब इसको आप -4 μC देंगे तो प्लस का 2 μC पहले से है, तो ये हो जाएगा -2 μC। भाई प्लस का 2 पहले से, -4 आपने और दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा, -2 μC। इस तरीके से जब इसको -4 μC चार्ज देंगे तो इस पे चार्ज कितना बचेगा बच्चों, +6 − 4 कितना बचेगा, +2 μC। डिस्टेंस तो कुछ कहा नहीं, इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी वही है, आर है। तो पूछा गया है कि अब फाइनली इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा फंडा होता है। आपको पहले चार्ज दिए गए हैं, ये Q1 हो गया मान लीजिए, और ये आपका Q2 हो गया। तो पहले फोर्स की आप इक्वेशन लगा लीजिए, क्या आएगा, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्योंकि दो चार्ज हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब बच्चों क्या होता है कि अगर हम ऐसा सोच लें कि जब -4 μC दोनों को चार्ज दे दिया है, तो ये चार्ज बन गया पहला वाला Q′ और ये क्या बन गया, Q′′, ठीक है। तो इस समय इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, वो फोर्स सपोज कर लेते हैं F′ सेलेक्ट कर लेते हैं,
क्या आएगा, के क्यू डैश क्यू डबल डैश अपान में आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लूं तो मुझे एफ डैश की वैल्यू मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, मीन्स एफ डैश अपान एफ। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू क्यू डैश अपान आर स्क्वायर, अपान में आएगा के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। देखें के अपान आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, के अपान आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि जो बचेगा वो क्या बचेगा, क्यू डैश क्यू डबल डैश अपान क्यू वन क्यू टू। इसका मतलब एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू डैश क्यू डबल डैश अपान क्यू वन क्यू टू इंटू एफ। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ भी दो जगह चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ भी चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज की कोई भी यूनिट यहाँ पे आप रख देंगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है। यानी कि क्यू डैश की वैल्यू कितनी रखी, 2 माइक्रो कूलम। देखिए यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये माइनस है ये प्लस है, तो इनके बीच फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन रखने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और क्यू डबल डैश कितना है, देखिए 2 माइक्रो कूलम अपान क्यू वन, क्यू वन कितना है बच्चों 2 माइक्रो कूलम इंटू क्यू टू, ये कितना है 6 माइक्रो कूलम। जब और इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 12। देखिए सारे माइक्रो कूलम कैंसिल हो गए, 2 4 जा ये क्या बचेगा, 2 2 जा 4 और अपान में आएगा ये 12, यानी कि ये फाइनली बचेगा 12 इंटू 4 अपान में 12, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 न्यूटन। सो द फाइनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेज विल बी 12 न्यूटन एंड दिस विल बी अट्रैक्शन फोर्स। ये फोर्स कैसा होगा बच्चों, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू आइडेंटिकल मेटलिक बॉल्स ए एंड बी हैव चार्जेज प्लस 40 माइक्रो कूलम एंड माइनस 10 माइक्रो कूलम रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मीटर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दे आर टच्ड टू ईच अदर एंड अगेन सेपरेटेड बाय 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट द न्यू फोर्स बिटवीन देम, व्हाट विल बी द फोर्स इफ वन बॉल इज कनेक्टेड टू अर्थ। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्ज हैं, ठीक है, एक है 40 माइक्रो कूलम का और एक है माइनस 10 माइक्रो कूलम का, ठीक, और इन दोनों चार्जेज का जो सेपरेशन है वो बच्चों कितना गिवन है हमको, 2 मीटर। हमसे कहा जा रहा है कि इनके बीच कितना फोर्स और कैसा फोर्स लगेगा। तो देखिए बच्चों आपको पता है अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन, मींस नेचर ऑफ फोर्स हमको मिल गया, ठीक है। कितना होगा तो इसके लिए हमको फार्मूला पता है कि एक चार्ज को हम अगर Q1 कह दें, यानी कि Q1 इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो गया, दूसरे चार्ज को Q2 कह दें तो Q2 कितना हो गया, माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, तो फार्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो फार्मूला हम यूज करेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। मतलब F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो चार्जेस के बीच एयर ही कंसिडर करेंगे नॉर्मल सिचुएशन में, तो K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपान में आर स्क्वायर। R मतलब इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। क्या मैं डायरेक्ट पुट कर लूं, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि R इज इक्वल टू 2 मीटर है तो स्क्वायर किया 4 आ गया। अब देखिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स,
ठीक है। सो f इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 10 और 10 100 हो जाएगा। ये 10 की पावर यहाँ से क्या बचेगा, -6 -6 -12, तो 100 की 2 पावर 10 को जब कैंसिल करेगी, यानी कि ये बचेगा हमारे पास 9 × 10⁻¹, 10⁻², 10⁻¹². अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो f की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, 0.9 न्यूटन। क्यों, ये देखिए 10⁻¹ बचेगी, 9 × 10⁻¹ मीन्स 0.9 न्यूटन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब बच्चों सेकेंड हमारे पास केस क्या आ गया कि कह रहे हैं कि अगर इन दोनों बॉल्स को आपस में टच कर दिया जाए, फिर से 2 मीटर का सेपरेशन दे दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए आफ्टर टचिंग ईच अदर, तो बच्चों आफ्टर टचिंग ऑफ चार्ज्ड बॉल ईच अदर क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसके पास प्लस का 40, इसके पास माइनस का 10 माइक्रोकूलम। चूंकि ये दोनों बॉल जो है वो सेम साइज की हैं, तो जब इन दोनों को टच करेंगे तो कितना चार्ज बनेगा, देखिए टच करने पे कितना चार्ज बनेगा, क्या बनेगा, एक के पास है देखिए 40 माइक्रोकूलम और एक के पास है -10 माइक्रोकूलम। तो ये जब दोनों टच हो जाएंगे तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, पहले इसका -10 माइक्रोकूलम इसके मतलब प्लस का 40 माइक्रोकूलम से -10 माइक्रोकूलम खत्म हो जाएगा, यानी कि इसके पास बचेगा कितना 30 माइक्रोकूलम। तो ये नेट चार्ज अब आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम। अब जब दोनों बॉल को सेपरेट करेंगे तो जब तक इनके साइज सेम है तब तक ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब साइज डिफरेंट हो जाएंगे तो वो केस भी हम लोग करेंगे सॉल्व, बट उसको हम लोग आफ्टर पोटेंशियल करते हैं, जब हम पोटेंशियल पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब हम वो केस कर सकते हैं। इसका मतलब जब आफ्टर टचिंग हम इनको सेपरेट करेंगे तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, मीन्स 30 टोटल था तो 15 माइक्रोकूलम इस पर आ जाएगा और 15 माइक्रोकूलम इस पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आफ्टर टचिंग में बात करता हूँ तो एक यहां पे बचेगा 15 माइक्रोकूलम, एक यहां पे बचेगा 15 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी 2 मीटर रहेगी। ठीक, अब हमको इनके बीच लगने वाला फोर्स बताना है। तो देखो पहले फोर्स का नेचर कैसा था, पहले फोर्स का नेचर था बच्चों देखो एक प्लस और एक माइनस था, तो कैसा नेचर था, अट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, एक प्लस और दूसरा भी प्लस, तो ये फोर्स का नेचर अब कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा रिपल्सन का। इसका मतलब अब जो फोर्स निकलेगा एफ डैश बराबर क्या निकलेगा, के, इसको हम क्यू डैश कह देते हैं फाइनल चार्ज को, इसको क्यू डबल डैश, क्या आएगा q डैश अपान आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा हमें, के 9 × 10⁻¹, q डैश कितना है 15 × 10⁻¹, देखिए माइक्रोकूलम है तो माइक्रोकूलम को जब कूलम में चेंज करते हैं तो 10⁻¹ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी निकलेगा 15 × 10⁻¹ कूलम, क्या किया गया माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया गया, तो एफ डैश आ गया बच्चों इंटू Q डबल डैश कितना है, वो भी है 15 × 10⁻¹ अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर देखिए तो R है डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, सोचिए इस सिचुएशन में F डैश की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 15 × 15 करेंगे तो क्या मिलेगा 225 × 9 × 10 की पावर कितना मिलेगा, देखिए -6 -6 तो ये हो गया -12 इंटू 10⁻¹ अपान में 4, तो एफ डैश बराबर आ गया बच्चों 225 × 2.25, अगर इसको डिवाइड करेंगे 2.25 आएगा, इंटू 10⁻¹⁫
इनको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 0.51 न्यूटन आएगा। सो द फाइनल फोर्स विल बी अप्रॉक्स 0.51 न्यूटन एंड दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि दोनों बाद में क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो ये फोर्स कैसा होगा, ये रिपल्सन का फोर्स होगा। सो दिस फोर्स विल बी रिपल्सन इन नेचर। अब बच्चों इसी में एक बात और कह रहे थे, अगर फाइनली जो चार्ज आ गया था, ठीक है, कि 15 माइक्रो कूलाम और 15 माइक्रो कूलाम, अगर कहा गया था कि इनमें से एक बॉल को, अगर इनमें कहा गया कि इनमें से एक बॉल की अर्थिंग कर दी जाए, तो बच्चों अगर अर्थिंग कर दोगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि अर्थिंग के बाद नेट चार्ज इस बॉल पे जीरो हो जाएगा। तो एक बॉल पे चार्ज जीरो हो जाएगा, एक पर 15 माइक्रो कूलम बचेगा। क्यों? क्योंकि अर्थिंग से नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है उस बॉल पे। तो अर्थिंग करते ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना आएगा, सोचिए। तो भाई अगर फोर्स लगाओगे तो क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। तो एक चार्ज तो जीरो हो गया, एक 15 है, इसका मतलब इस समय जो फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। तो इस सिचुएशन में दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जीरो आता है, ठीक है।